नमस्कार, मैं हूं ऋषि कुमार। युवाओं के अपने खास कार्यक्रम मेहनत रंग लाएगी में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि देश में दलितों ने तरक्की की है और इस तरक्की के पीछे डॉक्टर अंबेडकर का मूल मंत्र उनके साथ हमेशा रहा है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे दलित एंटरप्रेन्योरशिप की और साथ ही साथ डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से प्रेरणा पाकर आगे बढ़े हुए समाज की। जैसा कि हम जानते हैं कि देश 124वीं जयंती मना रहा है, डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से ओतप्रोत आज समाज में हर जगह इस चेतना का उभार हो चुका है कि वो लोग भी तरक्की कर सकते हैं जो कभी बहुत पीछे थे। तो आज के इस अंक में हम बात करेंगे कि आज़ादी के बाद कैसे कैसे दलितों ने तरक्की की है और आज उद्योग जगत से लेकर और आरक्षण की वजह से भी आज वो मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। इतिहास के पन्नों को टटोलने पर तो पता चलता है कि मात्र 50-60 वर्ष पूर्व ही ये कल्पना करना भी नामुमकिन था कि दलित समुदाय के लोग उद्योगपति या बड़े व्यवसायी भी हो सकते हैं। कारण था भारत की हजारों वर्ष पुरानी वर्ण व्यवस्था। उद्योग और व्यापार का संचालन एक वर्ग विशेष तक ही सीमित था। सामाजिक बेड़ियां भी इस कदर चकड़ी हुई थी कि उन्हें तोड़ना तो दूर, दो जून की रोटी का जुगाड़ कैसे हो, इसमें भी जिंदगी का पहिया स्थिरता के चक्र पर भी जाता था। लेकिन आजाद भारत का संविधान और डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के दलितों के लिए किए गए संघर्ष का ही प्रतिफल था कि हजारों साल की बेड़ियां धीरे धीरे कमजोर होती गई। धीरे धीरे ही सही और संख्या में गिनने लायक ही क्यों ना हो, लेकिन आजाद भारत में आज दलित पूंजीवादी व्यवस्था में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने लगे हैं। शुरुआत अगर आंकड़ों से करें तो आर्थिक जनगणना 2005 के अंतर्गत देश में 8.8% संस्थापन दलितों के हैं, जो कि 1998 में 7.7% था। इसमें से पारंपरिक रूप से घरेलू उद्योग हैं जिनमें मजदूर नहीं रखे गए हैं। 2005 में 10.6% ऐसे उद्योग दलित द्वारा संचालित हैं, जो कि 1998 में 9.3% थे। मजदूर रखने वाले एस्टेब्लिशमेंट में दलितों का हिस्सा 2005 में बहुत कम 5.7% है, जो कि 1998 में 3.7% था। एस्टेब्लिशमेंट के स्वामित्व की अगर कुल वृद्धि दर देखी जाए तो 1990 से 1998 के बीच 0.42% से बढ़कर 1998 से 2005 में 6.77% हो गई। दलितों की संख्या जैसे जैसे उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ी तो 21वीं शताब्दी में दलितों ने अपने रास्ते तय करना शुरू किया। इसी को एक कड़ी के रूप में देखा जाता है, दलित चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी डिक्की के रूप में। 14 अप्रैल 2005 को बाबा साहेब अम्बेडकर की 114वीं जयंती पर इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय पुणे में है। मकसद था दलितों में व्यावसायिक नेतृत्व विकसित करना। डिक्की का मिशन दलितों को रोजगार याचक के बदले रोजगारदाता बनाना है। इनकी भूमिका बहुत अच्छी है, ये हमको मार्गदर्शन दे रहे हैं। जैसे हमारी डिक्की संस्था बनी है, बहुत अच्छी संस्था बनी है, ये हमको प्रोत्साहित करने में, हमारा मनोबल बढ़ाने में बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन फिर भी हम राष्ट्रीय स्तर पर समाज को जो प्रोत्साहन मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। ये सारी योजनाएं बगैर सरकार के दलित समाज का उत्थान जो होना चाहिए, देश की आज़ादी के 7वां दशक चल रहा है, अभी तक जितना स्वावलंबी बनना चाहिए था उतना नहीं बन पा रहा। 25 लाख रुपए से अधिक वार्षिक कारोबार वाले उद्यमी दलित चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य बन सकते हैं। 1990 के बाद अनेक एकल स्वामित्व वाले उद्यमों के संचालन द्वारा कंपनियां स्थापित की गई। मुंबई शेयर बाजार में उनका सूचीकरण किया गया। आज ये उद्यमी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में शामिल हो गए हैं। भारत में ही नहीं, दलित उद्यमियों द्वारा ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात में भी सफलतापूर्वक उद्यम स्थापित किए गए हैं। इसलिए डिक्की की शाखाएं इन देशों में भी स्थापित की गई हैं। दलित उद्यमिता दलितों के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रतीक है। आज ये दलित विचारक और समाजसेवी चाहते हैं कि सरकार दलित उद्यमियों के लिए ऐसी योजनाएं तैयार करें कि उन्हें बाजारवादी व्यवस्था में जगह मिल सके। हाल ही में सरकार द्वारा लाए गए भूमि अध्यादेश को लेकर दलित विचारक इसके समर्थन में हैं। दलित चिंतक चंद्रभान प्रसाद मानते हैं कि सरकार के इस कानून को अमल में आना जरूरी है ताकि ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगाए जा सके।
नरेंद्र मोदी सरकार की जो लैंड ऑर्डिनेंस है इसको मैं एक बड़ा क्रांतिकारी कदम मानता हूँ। अभ्यास और प्रशिक्षण द्वारा उद्यमिता को और विकसित किया जा सकता है। उद्यमिता को पेशा चुनने वाले प्रथम पीढ़ी के युवा भी अब सफल उद्यमी बन रहे हैं। यह बात अध्ययनों द्वारा साबित हो जाने पर भारत सरकार द्वारा वित्तीय संस्थानों के माध्यम से उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। 1990 तक का अनुभव यह दर्शाता है कि उद्यमिता विकास प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने के बावजूद दलित युवाओं का रुझान सरकारी नौकरियों के प्रति रहा था, इसलिए उद्यमी के रूप में उनकी पहचान नहीं बन सकी थी। ये सारी योजनाएं बगैर सरकार के दलित समाज का उत्थान जो होना चाहिए, देश की आज़ादी के 7वां दशक चल रहा है, अभी तक जितना स्वावलंबी बनना चाहिए था उतना नहीं बन पा रहा। सबका साथ सबका विकास के लक्ष्य के साथ आई केंद्र सरकार ने भी शुरुआत से ही जनधन योजना, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान जैसे अहम कदमों से समाज के हर तबके तक समेकित विकास का रास्ता खोल दिया। अपने पहले पूर्णकालिक बजट में सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए अपनी योजनाओं को विस्तार दिया है। देश में स्वरोजगारी के अवसर बढ़ाने चाहिए, देश की इकोनॉमी को ताकत देने वाला जो नीची पायरी पर जो लोग हैं उनकी शक्ति को समझना चाहिए और उनके लिए अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। और इस मूल चिंतन में से ये मुद्रा की कल्पना आई है। लगभग 5.77 करोड़ छोटे व्यवसाय वाली इकाइयां हैं, इनमें से अधिकतर व्यक्तित्व स्वामित्व की हैं, जो छोटे विनिर्माण, व्यापार अथवा सेवा व्यवसाय चलाती हैं। और इनमें 62% अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के स्वामित्व में है। तो आपने देखा कि आजाद भारत में दलितों की उद्योग जगत में स्थिति क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप में वो कितना आगे बढ़े हैं। अब उन उदाहरणों को देख लेते हैं कि कैसे आज एक सफल उद्योगपति कभी रिक्शा चलाता था तो कभी फैक्ट्री में मजदूरी करता था, किसी ने उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद अपने आप को स्थापित किया तो किसी ने शिक्षा के माध्यम से अपने आप को तरक्की के रास्ते पर ले गए। तमाम उद्योगपतियों की खास तौर से यही कहानी है। तो एक कहानी दलित उद्योगपतियों की जुबानी। आगरा के मशहूर उद्योगपति हरकिशन पिप्पल की कहानी शुरू होती है एक आम दलित के रूप में, लेकिन सफलता की कहानी आगे इतनी बढ़ती है कि शहर ही नहीं देश भर में उनकी सफलता के चर्चे शुरू हो जाते हैं। पिप्पल का कारोबार आज करोड़ों में है, लेकिन एक वक्त था जब उन्होंने पढ़ाई भी की और रिक्शा भी चलाया। मैं रात को रिक्शा चलाता था और दिन में मैं पढ़ता था। मेरी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन मेरे दिमाग में ये बात ज़रूर थी कि जब लोग कार में घूम सकते हैं तो मैं भी कार में घूमूंगा। लोग स्कूटर चला सकते हैं, कार की तो नहीं, खैर स्कूटर की मैं समझता था कि लोग स्कूटर चलाते हैं तो मैं भी स्कूटर चलाऊंगा। बैंक ने मेरी मदद करी, लेकिन मैंने उस पैसे को प्रॉपर बिजनेस में लगाया और बहुत मेहनत करी उससे। अभी मेरे पास पिप्पल ने सफलता के कई आयाम हासिल किए। आज कारोबार कई क्षेत्रों में फैला हुआ है। वे खुद एक आधुनिक शू फैक्ट्री चलाते हैं जिसमें सर्वोत्तम उत्पाद बनाना उनकी जिंदगी का मूल मंत्र है। मैंने आज से 15 साल पहले, मेरा नाम है हरिकिशन, मैंने अपने जूते का नाम रखा हरिकिशन। हरिकिशन को कन्वर्ट कर दिया इंग्लिश में हरिकिशन, HARRYKSON। टुडे वी आर सेलिंग आवर शूज इन ऑल ऑफ यूरोप। पिप्पल का परिवार आज एक औद्योगिक घराना बन चुका है। 5 बेटों के परिवार को वे संयुक्त परिवार के रूप में समेटे हुए हैं। वहीं उनके बेटे अलग अलग व्यवसाय को अलग अलग रूप में नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। उनके पास जहां सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वहीं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी उनका दखल है। सारी स्पेशलिटी के ऑपरेशन, सारी स्पेशलिटी के डिपार्टमेंट्स हम लोगों पर हैं, और इवन वी आर डूइंग हायर मल्टी सुपर स्पेशलिटी ऑपरेशंस आल्सो। हरकिशन पिप्पल के जीवन का मूल मंत्र है, जो काम करो उसे महारत हासिल कर लो। मेरा मेन मकसद ये था कि पहले तो अपने टारगेट बनाइए, फिर उस टारगेट को बनाने के बाद उसको अचीव करने के लिए आप पूरा जोर लगा दीजिए।
ऐसा कभी नहीं होता कि अगर आपने कोई टारगेट बनाया और अगर आपने मेहनत ईमानदारी से की और सही डायरेक्शन में, एक मेरा अपना बनाया स्लोगन है, हार्ड वर्क इन द राइट डायरेक्शन। आज पेपल राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं, जहां फ्रांस, जर्मनी से लेकर अमेरिका तक फैला हुआ उनका कारोबार है। वहीं डिक्की के सदस्य के रूप में वे चाहते हैं कि सरकार दलितों के लिए एक फंड बनाए ताकि उससे दलितों को कारोबार में मदद दी जा सके। जो नेशनलाइज बैंक है उनको ये इंस्ट्रक्शन देने चाहिए सरकार को कि आप एक ब्रांच दो दलित समाज के लोगों को करोड़पति हर साल बनाएगा। उनको पूछा जाए कि आप किस बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं या वो जो बिजनेस करना चाहते हैं उसके लिए बैंक फाइनेंस करे। इसी कड़ी में हम देखते हैं कि अगर हौसला हो और कुछ करने की तमन्ना तो क्या कुछ संभव नहीं। जूते के कारोबार को बहुत ही छोटे स्तर पर शुरू करने वाले राकेश भास्कर नामचीन जूता व्यवसायी बिहारी लाल के बेटे हैं। बिहारी लाल ने बड़े छोटे स्तर पर काम शुरू किया था, लेकिन इस काम को आज नई बुलंदियों पर उनके बेटे राकेश ने पहुंचाया है। जब मैं पढ़ रहा था तो 9th क्लास की एज से मैंने इसको ज्वाइन किया। धीरे धीरे पहले पेमेंट बांटा, फिर काम को चेक करना शुरू किया, फिर पढ़ाई भी की। पढ़ते पढ़ते मैंने MSc की। MSc के टाइम में मैंने फुल फ्लैश फैक्ट्री संभालना शुरू कर दिया था। राकेश का मानना है कि हिम्मत और हौसले के साथ कठोर परिश्रम का नतीजा हमेशा शानदार रहता है। मेरा शुरू से ये रुझान था कि मैं अपने पापा के सपोर्ट करूं। शुरू में मेरा नहीं था कि मेरे को जूते में आना है, लेकिन फिर मेरा मन था कि पापा को सपोर्ट करूं, और धीरे धीरे करते इसमें मज़ा आने लगा तो काम ज्वाइन किया, और प्लस इसमें आज तो ग्लैमर है जूते का लाइन। राकेश ने MSc और LLB की उच्च शिक्षा हासिल की है और हमेशा उन्होंने कोशिश की है कि जो काम किया जाए उसमें पूरा भरोसा हो। राकेश अपने बच्चों को भी जूता व्यवसायी बनाने के पक्षधर हैं। नौकरी तो नहीं सोचा उनके लिए, उनको भी कोशिश करेंगे कि बिजनेस में आएं, पर वो बच्चों के ऊपर है कि अगर उनको अच्छा लगता है तो वो जरूर ज्वाइन करें। राकेश भास्कर का एक उदाहरण है कि विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे किसी काम को नई बुलंदियों तक पहुंचाया जा सकता है। काम कोई भी हो, न छोटा होता है न बड़ा, बस उसे करने के लिए सकारात्मक सोच होनी चाहिए। अगर विचार शुद्ध हो और मन में ईमानदारी और काबिलियत से बढ़ने का हौसला तो हर काम आसान हो जाता है। युवा एंटरप्रेन्योर हर्ष भास्कर आज दलित ही नहीं बल्कि सभी युवाओं के लिए एक उदाहरण के साथ साथ प्रेरणा स्रोत भी हैं। IIT और IIM से शिक्षा हासिल करने के बाद हर्ष ने कोचिंग से शुरुआत की और आज वे कई कॉलेज सफलतापूर्वक चला रहे हैं, जिनमें इंजीनियरिंग, BTC, लॉ और प्रोफेशनल कोर्स चलाए जा रहे हैं। एजुकेशन में मैंने काफ़ी काम किया है। यहाँ पे आगरा से करीब 100 किलोमीटर की पूरे रेडियस में मैंने कोशिश करी है कि उनको एजुकेट नहीं कर पाऊँ तो कम से कम उनको इन्फॉर्म तो कर पाऊँ इसके बारे में कि भाई यही ऑप्शंस होते हैं एजुकेशन में उनके स्टूडेंट्स के पास में, और एजुकेट होने के बाद में क्या क्या किया जा सकता है। हर्ष चाहते हैं कि दलित उद्यमियों को किसी बेचारे की नज़रों से नहीं बल्कि अपनी काबिलियत और कौशलता के दम पर बाजार में स्थापित समझा जाए। वो किसी से कम नहीं बल्कि आम कारोबारी से ज़्यादा कड़ी मेहनत और काबिलियत के कारण वो सफल हुए हैं। मैंने अपनी मेहनत करी है, मेहनत के बाद में जो मुकाम पाया है उसमें मेरे को कोई भी किसी भी तरह की कठिनाई नहीं हुई है। हाँ, ये बात ज़रूरी है कि मेरे को दूसरे लोग जैसे मेहनत करते होंगे उससे थोड़ा सा ज़्यादा परिश्रम किया है, और परिश्रम करने में मुझे कोई तरह का संकोच नहीं होता है और मुझे बहुत मज़ा आता है इसमें। जिस दौर में मुल्क आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था उस समय डॉक्टर अंबेडकर ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि हज़ारों सालों से गुलाम बेड़ियों में जकड़े समाज को आज़ाद मुल्क में तरजीह मिले और वो मुख्य धारा में शामिल हो पाएँ। इसी के लिए उन्होंने आरक्षण का विशेष प्रावधान करवाया और संविधान में ये सुनिश्चित किया कि दलित संरक्षण के तहत आगे बढ़ें और उनके लिए विशेष प्रावधान हो। आज दलित समाज में ढेरों उदाहरण देखने को मिलते हैं जो ये साबित करते हैं कि आरक्षण के बिना समाज तो दूर, किसी भी व्यक्ति का मामूली सा विकास भी कल्पना से परे था। उसका पूरा समाज और परिवार गरीबी और लाचारी ही नहीं बल्कि सम्मान की किसी भी संभावना से कोसों दूर रहता। प्रशासनिक सेवाओं में दलितों की मौजूदगी आज आरक्षण की वजह से ही सुनिश्चित हो पाई है।
एक दौर था कि जब ये सेवाएं मात्र कुलीन और उच्च समाज के लोगों के लिए ही सपना था, लेकिन आज गरीब से गरीब और कमजोर से कमजोर युवा आज बड़ी संख्या में इस सेवा में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। सर, आज से तकरीबन 3 दशक पहले जब आपका आईएएस में चयन हुआ, उस दौर में कोई सामान्य व्यक्ति ये सोच भी नहीं सकता था कि सिविल सर्विस में जाना है, आईएएस में मेरा चयन हो सकता। आपने क्या आइडिया आपके दिमाग में आया, कैसे आपने इस प्रतिष्ठित सेवा में चयन हासिल किया, आईएएस बनने की कैसे सोचे? दो चीज़ें मेरे दिमाग में आईं जब मैं आईआईटी के आखिरी सेमेस्टर में था। पहला तो ये कि मैंने ये सोचा कि मैं अपनी प्रतिभा जो मेरे माता पिता से मिली है और परिस्थितियों से मिली है, उसको मैं देश की सेवा में सर्वश्रेष्ठ रूप से कैसे उपयोग में ला सकता हूँ। मेरे विचार में आईएएस की ही सेवा सबसे सामने आई। आरक्षण की भूमिका खासतौर से शिक्षा में दलितों की भागीदारी को बढ़ाने में कारगर दिखी है। आज दलित समाज के युवा उच्च शिक्षा में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में लगे हैं। भौतिक विज्ञान में प्रोफेसर और इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मिनरल्स टॉपिक पर पीएचडी करने वाले एसपी सिंह मानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा के अलावा कोई ऐसी वजह नहीं थी कि आज वो जिस मुकाम पर हैं उसके बारे में सोच भी पाते। दलितों का जो उत्थान हुआ है खास तौर से वो बाबा साहब की ही वजह से हुआ है। जहाँ तक के एजुकेशन का सवाल है, इस तरीके की शिक्षा आज से आज़ादी से पूर्व इस तरीके की एजुकेशन दलित शोषित समाज नहीं ले सकता था, लेकिन आज की परिस्थिति में संविधान के द्वारा मिले हुए मौलिक अधिकारों के तहत आज हम शिक्षा ले सकते हैं और शिक्षा ही वो की है। शिक्षा यानी कि एजुकेशन इज द की ऑफ सक्सेस। किसी भी समाज की तरक्की चेतना पर निर्भर करती है और उस चेतना को बनाए रखने के लिए समाज के चिंतकों मार्गदर्शकों को अहम भूमिका निभानी होती है। उत्तर भारत के कई इलाकों में देखा गया है कि वहाँ पर दलितों ने खासतौर से बाबा साहब के मिशन को, उनके सिद्धांतों को, उनकी शिक्षाओं को अपनाया है। इसी को हमने देखा आगरा के दलितों में। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी मृत्यु से पहले यहां आए थे। देश भर में बढ़ती उनकी ख्याति से उत्साहित आगरा वासियों ने बड़े जतन के बाद उन्हें आगरा बुलाने में सफलता हासिल की। उस समय डॉक्टर अंबेडकर ने आगरा के लोगों को संबोधित तो किया ही, वहीं बुद्ध धर्म अपनाने से पहले ही इस शहर में भगवान बुद्ध की मूर्तियों की स्थापना कर दी गई थी। विशाल जनसभा यहाँ पर हुई थी रामलीला ग्राउंड किले के मैदान में। वहाँ उन्होंने अपना संदेश दिया था समाज के लिए, जो उनके मन के अंदर जो भावनाएं थीं वो सब उन्होंने देश के उत्थान के लिए, अपने समाज के उत्थान के लिए और दलितों के विकास के लिए वो सारे फार्मूले बाबा साहब ने बताए थे। डॉक्टर अंबेडकर की अस्थियां देश की अलग अलग शहरों में प्रस्थापित की गई हैं। नागपुर, मुंबई के साथ साथ आगरा के इस चक्की पाट बौद्ध विहार में भी उनकी अस्थियां रखी गई हैं। कई जगह पर अस्थियां गई और उनमें से एक हिस्सा यहाँ चक्की पाट के लिए भी निश्चित किया गया। तो स्वतः प्रकाश राव के पिता यशवंत राव अम्बेडकर जी उन अस्थियों को लेकर आए, तो यहाँ हमारे रेलवे स्टेशन से लेकर यहाँ फूलों की वर्षा करते हुए बहुत सम्मान के साथ यहाँ अस्थि रखी गई। ये डॉक्टर अंबेडकर आगमन और उनकी अस्थियों के रूप में उनकी मौजूदगी का ही प्रताप है कि पूरे इलाके में डॉक्टर अंबेडकर के विचार और उनकी शिक्षाएं घर घर दलितों के बीच पहुंच चुकी हैं। इसमें दलित समाज के नागरिकों की भूमिका हमेशा देखी गई है। इन्हीं में करतार सिंह भारती ने पिछले कई दशकों से पूरे इलाके में दलित समाज को अम्बेडकर की शिक्षाओं और विचारों से लगातार जोड़े रखने का काम किया है। तो फिर लोगों ने 57 से ये अंबेडकर जयंती का कार्यक्रम शुरुआत कर दी, तो ये नाला काजी पड़ा से इसकी शुरुआत हुई। मेरे बिल्कुल घर के पास ही है, तो वहाँ के लोगों ने जो बुजुर्ग बार थे उस जमाने के, उन्होंने फिर ऐसी थोड़े छोटे स्तर पे भी निकाला, शुरू किया, डोला जैसा बनाया उसको। तो करते करते क्या हुआ, वो काफ़ी ठीक हो गया। भारती कई दशकों से लगातार अंबेडकर जयंती और भीम नगरी के आयोजन करवाते आ रहे हैं।
14 अप्रैल अंबेडकर जयंती के दिन जहां लाखों लोग इसमें हिस्सा लेते हैं, वहीं भीम नगरी के आयोजनों में इलाकों का विकास भी सुनिश्चित किया जाता है। हम जाते हैं वहाँ क्योंकि कौन कौन सा काम नहीं हुआ है, खरंजा नहीं टूटा पड़ा है, लाइट ही नहीं है, हमारे पूरा मोहल्ले में अंधेरा पड़ा हुआ है, शौचालय नहीं है, औरतें खुले में शौच कर रही हैं, तो ये सारी चीज़ें तो हम मालूम करते हैं, मालूम करके ये पता लगाते हैं। फिर डॉक्टर अंबेडकर के कारवां को आगे बढ़ाने में उन पुराने बुजुर्गों की अहम भूमिका रही जो खुद बाबा साहेब से मिले और विचारों को अपने जीवन में आत्मसात किया। बाबा साहब का जन्मदिन मनाए तो ये आमतौर से श्री कृष्ण जयंती बनती है, रामनवमी बनती है, इसी रूप में मनाना चाहा तो ये धीरे धीरे कम से कम लोगों का ध्यान आया, तो अम्बेडकर को पहचाने, उनके मिशन को पहचाने, देश के संविधान क्या कह रहा है इसे पहचाने। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि मेरे अनुयायी मेरे कारवां को अगर आगे न ले जा पाए तो पीछे भी न जाने दें। डॉक्टर भंते आनंद ने अंबेडकर के इस विचार को आगे बढ़ाया है और उनके कारवां को आगे ले जाने का बीड़ा उठाया है। बुद्ध और उनका धम्म डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा लिखी गई संभवतः आखिरी पुस्तक, जिसका कि प्रीफेस उन्होंने 15 मार्च 1956 को लिखा और इसको आज एक बड़ी पुस्तक की शक्ल दी गई है। तकरीबन 2 टन भारी ये एक स्टील की बुक है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ भंते डॉक्टर राहुल हैं जिन्होंने इसके लिए काम किया है। आप बताएं कि ये पुस्तक आपने जो इतनी बड़ी बनाई है, इसकी आपके मन में क्या विचार आया, किस किन किन चीज़ों को लेकर आपने इसको कंप्लीट किया है, और बुद्धा और उनका जो धम्म है ये जो पुस्तक है, जो लोकप्रिय पुस्तक है, पूरे विश्व में इसकी लोग जानते हैं, अब इसको इस रूप में लाने के क्या आपकी मंशा है? जैसा आपने पूछा है कि बुद्ध उनके धम्म को इस विशाल रूप में क्यों लेकर के आए, जब हम बुद्ध और उनके धम्म को पढ़ते हैं तब हमें लगता है कि इसमें लिखी हुई एक एक बात जीवन को बदलने वाली है। जो भी व्यक्ति इसका अध्ययन करेगा उसके जीवन में रूपांतरण होगा और वो रूपांतरण मानव कल्याण का होगा। तो बाबा साहब ने बहुत गहन अध्ययन करके इस ग्रंथ की रचना की और उनकी मनसा थी कि ये घर घर में जाए, क्योंकि सभी लोग इसे पुस्तक के रूप में देख रहे थे, हमारा नज़रिया अलग था, हमने इसको पुस्तक के रूप में नहीं देखा, हमने इसको जीवन के कल्याणकारी संविधान के रूप में देखा। धातु में सबसे बड़ी पुस्तक है ये? हाँ, अभी तक की धातु में बनी हुई पुस्तकों में सबसे बड़ी पुस्तक है, सबसे बड़ी नहीं सबसे भारी भी है, और मैं कहूँ सबसे ज़्यादा उम्र की चलने वाली पुस्तक भी है, क्योंकि दसियों हज़ार सालों तक ये ऐसे ही रहेगी, अगर रख रखाव ठीक रहा तो इसका बहुत लंबी उम्र हो सकती है। एक मन में अंतर्द्वंद है लोगों के कि डॉक्टर अम्बेडकर के विचार को आगे बढ़ाएँ या उनके धर्म के विचार को आगे बढ़ाएं, इसको लेकर आपके मन में किस तरीके से विचार आया, आपने इसको इस मार्ग को चुना, आप क्या कहेंगे इस पर? जो लोग आज बाबा साहब को ठीक से नहीं समझ पाए वो भ्रमित रहते हैं, निश्चित रूप से ज़्यादा समय तक वो भ्रमित नहीं रहेंगे, जल्दी उन्हें भी एहसास होगा, क्योंकि बुद्ध का धम्म हमारे देश का मूल धम्म है, सुख शांति समृद्धि का धम्म है, इसमें कोई जाति भेद नहीं है, कोई गैर बराबरी नहीं है, कोई सामाजिक उत्पीड़न नहीं है, यहाँ करुणा और मैत्री है। आज आप अंबेडकरवादी हैं, बुद्धिस्ट हैं, या इन दोनों का मिला जुला स्वरूप कोई संशय नहीं? बौद्ध भिक्खु तो बौद्ध भिक्खु होता है, और बौद्ध भिक्खु अगर बाबा साहब को मानता है तो उसके लिए गर्व और गरिमा की बात है, क्योंकि बाबा साहब से मुझे धम्म मिला है और बाबा साहब के कारण ही मैं धम्म को सीख पाया हूँ, इसलिए मैं भिक्षु हूँ, ये बात सच है। अगर कोई भिक्षु के रूप में कहे कि ये अंबेडकरवादी भिक्षु है, ये उनका मामला है, लेकिन मैं बाबा साहब में पूरी श्रद्धा रखता हूँ, जितनी श्रद्धा मैं बुद्ध में रखता हूँ उसी रूप में बाबा साहब को देखता हूँ। निश्चित तौर से एक धर्म के रूप में, एक मानवतावादी के रूप में डॉक्टर अंबेडकर का जो योगदान है वो इसी तरीके से आगे देखा जाता रहेगा। कैमरामैन अनिल के साथ ऋषि कुमार, DD न्यूज़, आगरा। ये डॉक्टर अंबेडकर के ओज और तेज का ही प्रताप था कि आज उनके सिद्धांतों और विचारों को उनके अनुयायी कविताओं और गीतों के माध्यम से भी जन जन तक, घर घर तक पहुँचाने में जुटे हैं। शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, ये नारा है, इन तीनों के बिना कहो क्या भारत देश हमारा है। संघर्ष का संकेत सुन, काम कर विकास हित, सम अधिकार स्वर्ण जीवन किया हर ठाम, सत्य के अहिंसा पथ संविधान निर्माता भीम, युग युग बार बार कोट कोट प्रणाम।
तो मैंने तरंग लागी में आज बस इतना ही। अगर आपके पास हमारे कार्यक्रम से संबंधित कोई सुझाव हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है मेहनत तरंग लाएगी, कमरा नंबर 226, डीडी न्यूज़, दूरदर्शन भवन, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली, पिन कोड है 110001। आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं, हमारा फ़ोन नंबर है 0112338694। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है mrl@dd.nic.in। तो अगले हफ्ते होगी फिर मुलाकात एक नई उम्मीद, नए विश्वास और एक नए रोज़गार के नए विकल्प के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।